हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो क्लास टेंथ में हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस एंड सोल्ट। तो उससे पहले हमने ऑक्जैलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिक अम्ल यानी कि कार्बोनिक एसिड के बारे में। कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2CO3। और सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि जो कार्बोनिक एसिड होती है वो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज की जाती है। जैसे जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, जो भी सोडा, लेमन, कोक, जो भी आप पीने वाली ड्रिंक होती है, उस पेय जल में क्या होता है, CO2 प्लस में H2O को मिलाकर H2CO3 बनाई जाती है, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और वो पीने वाली चीज़ों में मिलाई जाती है। अगर आपसे पीछे पूछा जाए कि पीने वाली चीज़ों में कौन सी गैस, तो आप बताओगे CO2 गैस। पीने वाली चीज़ों में गैस पूछी जाए तो CO2 गैस, लेकिन पीने वाली चीज़ों में एसिड पूछा जाए तो आप बताओगे बच्चों कार्बोनिक अम्ल यानी कि कार्बोनिक एसिड। और देन उसके बाद आपको याद रखना है N2 यानी कि चिप्स के पैकेट हो, कुरकुरे के पैकेट हो, खाने वाले जितने भी पैकेट्स आते हैं उनमें आपको पता होगा अंदर हवा भरी होती है। मतलब दिखने में वो इतने फुले फुले होते हैं, फ्लप्पी होते हैं, लेकिन अंदर हवा निकलने के बाद उसमें बहुत कम ही आपका मटेरियल होता है। तो खाने वाली चीज़ों में होती है N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस। और पीने वाली चीज़ों में होती है बच्चों आप बताओगी CO2 गैस, लेकिन एसिड पूछा जाए तो कौन सा होगा, कार्बोनिक एसिड। देन इसके बाद नेक्स्ट जो एसिड है वो हम डिस्कस करेंगे टार्टैरिक एसिड। नेक्स्ट जो एसिड है वो पढ़ेंगे टार्टैरिक एसिड। टार्टैरिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है। जैसे इमली भी खट्टी होती है और जो सिट्रिक एसिड है वो भी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। बट याद रखना जैसे कि आप बताते हो संतरा, नींबू, आंवला, इन सब में सिट्रिक एसिड होती है, लेकिन जो इमली है वो इन सब से भी ज़्यादा खट्टी होती है। तो इमली में पाया जाता है टार्टैरिक एसिड, इमली में पाया जाता है टार्टैरिक एसिड। उसके बाद सिट्रिक एसिड जो है वो संतरा, नींबू, आंवला और अंगूर में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, यानी कि खट्टी चीज़ों में। ठीक है, केक बनाने में यूज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडा का उपयोग किया जाता है। जब भी कोई भी चीज़ बनाई जाती है घर में, उसको फुलाने के लिए किसका यूज करते हैं, जैसे केक बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कड़वेपन को कम करने के लिए टार्टैरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इमली खट्टी होती है लेकिन वो दूसरी चीज़ों के कड़वेपन को ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। केक बनाने में यूज़ करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इसके कड़वेपन को कम करने के लिए टार्टैरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कुछ एक एसिड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो आंवला में होती है बच्चों एस्कोर्बिक एसिड, आंवला में पाई जाती है एस्कोर्बिक एसिड। ऐसे ही विनेगर में भी पाई जाती है एस्कोर्बिक एसिड, विनेगर। ठीक है, गेहूं में होती है ग्लूटेनिक एसिड। देन उसके बाद एप्पल में पाई जाती है बच्चों मैलिक एसिड। एप्पल में कौन सी मैलिक एसिड, जो पेन किलर्स होती है दवाई यानी कि दर्द निवारक, उनमें पाई जाती है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। देन उसके बाद जो चींटी जो काट के जाती है, जो चींटियाँ हमें हाथ पे बाइट करके जाती हैं, कहीं भी काट जाती है और वहाँ स्वेलिंग होती है, पेन होता है, तो उन सीटियों का जो डंक होता है उसमें होती है फॉर्मिक एसिड। उनमें कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड, या दूसरा नाम इसका होता है मिथेनोइक एसिड। और एसिड को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बेस लगाते हैं, जिससे एसिड बेस की रिएक्शन होने के बाद वो न्यूट्रल हो जाती है। देन बटर जो है उसमें पाया जाता है ब्यूट्रिक एसिड। मैंगो में मैलिक एसिड भी होता है और सिट्रिक एसिड। मैलिक एसिड यानी कि मैंगो में मिठास भी होता है और सिट्रिक एसिड यानी कि मैंगो में खट्टापन भी होता है, इसलिए दोनों एसिड पाई जाती है मैंगो के अंदर। ब्लड में होती है बच्चों अमीनो एसिड और टी जो चाय पत्ती होती है उसमें होती है टैनिन एसिड। ठीक है, टी में होती है टैनिक एसिड और ब्लड में होती है अमीनो एसिड। मैंगो में मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों ही पाई जाती हैं। बटर में ब्यूट्रिक एसिड होती है, उसके बाद जो चींटियाँ होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड, पेन किलर में सैलिसिलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, गेहूं में ग्लूटेनिक एसिड और आंवला में एस्कोर्बिक एसिड। तो ये कुछ एक एसिड्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।